हेलो दोस्तों, फैमिली के चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। कल हमने देखा था टाइप्स ऑफ फैमिली और उसके बाद न्यूक्लियराइजेशन ऑफ फैमिली जो हो रही है उसके क्या रीजंस हैं, पार्सन्स क्या बोलते हैं, विलियम गुड क्या बोलते हैं, देन एलिजाबेथ रॉबर्ट्स एक्सेट्रा कैसे आके इसको डिनाई करते हैं कि नहीं अभी न्यूक्लियराइजेशन ऑफ फैमिली नहीं हो रही एंड किस तरह से नई तरह की फैमिली डेवलप होती हैं। ठीक है, मॉडिफाइड फैमिली बोलते हैं, डिस्पर्स्ड फैमिली बोलते हैं। तो ये सब देखने के बाद अभी कुछ न्यू डेवलपमेंट्स और देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ फैमिली में क्या क्या और डेवलपमेंट हो रही हैं। एग्जाम में आप कोट कर सकते हो इन सबको क्योंकि काफी एकेडमिक वर्क्स हैं ये। ठीक है दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूटेड फैमिली। रिकॉन्स्टिट्यूटेड फैमिली क्या होती है? जहां पर जो जो स्पाउसेज हैं, स्पाउसेज मतलब जो हस्बैंड या वाइफ कोई भी है, तो वो अपने एग्जिस्टिंग बच्चों के साथ रहते हैं करंट मैरिज के, एज वेल एज जो बच्चे हुए प्रीवियस मैरिज में, लिव विद चिल्ड्रन ऑफ प्रीवियस एज वेल एज करंट मैरिज, दोनों मैरिजेस के बच्चों के साथ इकट्ठे रहते हैं, उनको रिकॉन्स्टिट्यूटेड फैमिली कहा जाता है। इंडिया में बहुत ही कम देखने को मिलती है, लेकिन यूएस वगैरह में आप देखो, वेस्टर्न कंट्रीज में आप मूवीज में देखते हो, बहुत ऑफन दिखती है कि बच्चे रह रहे हैं प्रीवियस मैरिजेस के भी आपके साथ, अभी जब आप कहीं और मैरिड हो। ठीक है दोस्तों, ओके। देन कम्स सिंगल पेरेंट। सिंगल पेरेंट देखें, हमें इंडिया में सुष्मिता सेन का एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। वो सेलिब्रिटी हैं एंड सेलिब्रिटी बहुत सारा जो जो डिसाइड भी करती हैं कि कल्चर ऑफ द सोसाइटी। सेलिब्रिटीज बहुत सारी चीज़ें समाज में नई भी लेके आती हैं, न्यू लेकर आती हैं। सिंगल पेरेंट में एक ही परिवार, एक ही फादर या एक ही मदर होते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं। जैसे सुष्मिता सेन, शायद उनकी शी हैज़ अ डॉटर, उनको वो पाल रही हैं। सिंगल पेरेंट हैं वो, मैरिड नहीं है। एंड देन लिव इन में क्या होता है कि एंथनी गिडेंस वाला कॉन्सेप्ट काफ़ी हमें दिखता नजर आता हुआ। वो क्या बोलते हैं, जहां पर दो लोग इकट्ठे आते हैं एंड दे स्टार्ट लिविंग टुगेदर फॉर कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम विद कमिटमेंट। कमिटमेंट की फीलिंग्स हैं आपस में, तो वो लिव इन कहलाते हैं। एंड लिव इन का अगर इंडिया में देखें तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट DVA में भी अब इसको लीगैलिटी हासिल हो गई है। अगर जैसे पहले क्या था कि अगर एक मैरिड कपल में अगर अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस होती है तो एक वुमन जो मैरिड है वो फाइल कर सकती थी कंप्लेंट कि उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुई है, सिर्फ वो मैरिड के तक था। अभी ये लिव इन में भी एक्सटेंड कर दिया गया है कि डोमेस्टिक वायलेंस अगर लिव इन कपल के साथ होती है तो वहां पर जो औरत है वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत अब फाइल कर सकती है कुछ कंप्लेंट। ठीक है दोस्तों, ओके। तो डुअल करियर, ये मॉरर का कॉन्सेप्ट है। मॉरर क्या बोलते हैं कि डुअल करियर फैमिलीज का राइज है। ये डुअल करियर फैमिलीज की होती है जहां पर जो हस्बैंड एंड वाइफ या फिर जो भी हैं दोनों पार्टनर्स अपना करियर परसू करते हैं। एंड जनरली इसको और भी मॉडिफाई कर सकते हैं आप कि जहां पर लेट्स से ये हस्बैंड, लेट्स से ये वाइफ ये करियर परसू तो कर रहे हैं अपना। पहले मेजरली क्या होता था, जैसे दोनों हस्बैंड वाइफ लेट्स से सिमिलर तरह के जॉब्स में होते हैं, बैंक में जॉब करते होंगे, सेम गवर्नमेंट जॉब में है एटसेट्रा। अभी क्या हो गया, बहुत ही डाइवर्स करियर परसू भी कर रहे हैं। ये लेट्स से हस्बैंड इज एन एंटरप्रेन्योर, वाइफ किसी कॉर्पोरेट में टॉप पोजीशन पे काम करते हैं। ठीक है, तो काफी डाइवर्स करियर भी परसू करना शुरू हो गए हैं डुअल करियर फैमिलीज में। ठीक है, तो ये वर्ड काफी अच्छा वर्ड है, तो इसको आप प्लीज दिमाग में रखिएगा, डुअल करियर, जहां पे हस्बैंड एंड वाइफ दोनों करियर परसू करते हैं अपना अपना। ठीक है, एंड डाइवर्स करियर भी अब परसू करना शुरू हो चुके हैं जहां पे दोनों में कोई कॉमनैलिटी भी नहीं है। एंड देन रैपापॉर्ट भी एक हमारे पास थिंकर है। ये क्या बोलते हैं कि सिंगल पेरेंट का न्यू डेवलपमेंट क्या है, सिंगल पेरेंट का राइज, होमोसेक्सुअल फैमिलीज का आना, कॉम्यून लिविंग। कॉम्यून में क्या होता है कि एक जैसे एक पूरी कोई कम्युनिटी है, उनके जो भी जैसे जैसे बच्चे पैदा होते रहेंगे वो बच्चे पूरी की पूरी कम्युनिटी का पार्ट बनते रहते हैं। उनको नहीं पता होता उनके पेरेंट्स कौन है, उन बच्चों की देखरेख पूरी कम्युनिटी करती है, उसको कम्यून लिविंग कहते हैं। कहते हैं उसका भी राइज हो रहा है, लिव इन का भी राइज हो रहा है रैपापॉर्ट के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, और न्यू डेवलपमेंट्स देखें अगर, तो अगर हम पूरा स्कोप जो भी हमारे डेवलपमेंट्स को अगर हम पूरा अगर हम कन्फाइन करने के ट्राई करें कि आजकल ट्रेंड्स चल क्या रहे हैं फैमिली मैरिज में, तो यहाँ पर मैरिज की जो अपील है ये ग्रेजुअली कम होती जा रही है। इंडिया में भी जो अगर एवरेज एज देखें मैरिज की बढ़ती जा रही है, हमारे पास ये सर्वेज में बहुत सारी जगह बताया गया है मैरिज की एवरेज एज बढ़ती जा रही है। वेस्टर्न कंट्रीज में तो बहुत सारी आबादी है, दे डू नॉट गेट मैरिड एट ऑल। ठीक है, एंड देन जो फैमिली की फॉर्म्स की डाइवर्सिटी, नई नई तरह की फैमिली फॉर्म्स आती जा रही है। हमने देखा पीछे अभी कौन सी रिकॉन्स्टिट्यूटेड एक्सेट्रा, बहुत तरह की फॉर्म्स आ रही हैं फैमिली की। डिवोर्स का रेट दुनिया भर में बढ़ रहा है, सेपरेशन का रेट दुनिया भर में बढ़ रहा है, इवन कि इंडिया में भी। यहाँ पर एक और जो कॉन्सेप्ट हमने लिखा नहीं हुआ वो है कॉन्सेप्ट ऑफ एम्प्टी शेल। एम्प्टी शेल मैरिजेस भी होती हैं। जैसे अब देखो डिवोर्स में तो क्या हुआ कि जो भी थे, जैसे लेट्स से जो हस्बैंड एंड वाइफ ये अलग अलग हो गए, हस्बैंड वाइफ, एंड सेपरेशन में
इसको एक बार साफ करके दोबारा बनाते हैं। तो एम्प्टी शेल जो मैरिजेस होती हैं, वो एम्प्टी शेल में क्या होता है कि हस्बैंड एंड वाइफ रहे इकट्ठे रहे हैं, दे आर नॉट डिवोर्स्ड और ना ही वो सेपरेटेड हैं, रहे इकट्ठे रहे हैं एक ही छत के नीचे, लेकिन इनमें अगर एंथनी गिडेंस की अगर लैंग्वेज यूज करें, कोई कमिटमेंट की फीलिंग नहीं है आपस में, दे लैक फीलिंग ऑफ कमिटमेंट। तो डिवोर्स में तो क्या हुआ, अलग ही हो चुके हैं ना, लीगली लॉफुली अलग हो गए डिवोर्स में। सेपरेशन में क्या होता है, सेपरेशन में अलग अलग रह रहे हैं, अभी डिवोर्स नहीं लिया, इकट्ठे नहीं रहते एक छत के नीचे, सेपरेटेड हैं। एंड उसके बाद एम्प्टी शेल जो तीसरी तरह के टाइप है, रहे एक ही छत के नीचे रहे हैं, लेकिन कोई फीलिंग ऑफ कमिटमेंट नहीं है, एक दूसरे को लेके कोई खास भावनाएं नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये तीन तरह के जो है, एम्प्टी शेल तो इंडिया में बहुत सारी देखी जाती थी, क्योंकि डिवोर्स है ना एक स्टिग्मा था, एक कलंक माना जाता है डिवोर्स है ना, तो इसलिए हद से हद लोग सेपरेशन करा लेते हैं कि सेपरेशन अलग अलग रह रहे हैं, ठीक है, डिवोर्स भी नहीं सीख करते हैं। एम्प्टी शेल तो वाज अ नॉर्म बहुत सारे, जहां पे मैरिजेस काम नहीं करती वहां पे जो विमेन दे कंटिन्यू टू लिव विद देयर पार्टनर्स, तो एम्प्टी शेल था, लेकिन सेपरेशन बढ़ना शुरू हुआ, अब डिवोर्स बढ़ना शुरू हो गया, राइजिंग डिवोर्सेस। तो ये बहुत सारे ट्रेंड्स बताते हैं, इंडिया में डिवोर्स रेट बहुत ही रैपिडली राइज किया है प्रीवियस कुछ ईयर्स में। एंड देन ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो मैरिज की सैंक्टिटी है, सैंक्टिटी मतलब जो पवित्रता पावन, इसको जो एक सैक्रोसैंक्ट एक इवेंट माना गया, वो अब वो ग्रेजुअली वो चीज़ खत्म हो रही है। तो मैरिज अब क्या बनती जा रही है, ग्रेजुअली कन्वीनियंस ड्रिवन है ना, ये काफ़ी कन्वीनियंस ओरिएंटेड होती जा रही है। अगर आपको पार्टनर्स एक दूसरे को कन्वीनियंट नहीं मानते तो वो डिवोर्स फाइल कर देते हैं कि हमें डिवोर्स देना है, हमें कोई लेट्स से वील सीक समथिंग समवन एल्स। तो अब इसलिए कन्वीनियंस ड्रिवन होता जा रहा है। और ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि लॉ काफ़ी कन्वीनियंट होता जा रहा है, लॉ ने डिवोर्स को काफ़ी ईजी भी बना दिया है। और उसके बाद जो स्टिग्मा, जो लॉ के बाद जो टाइटल जो फोर्सेस थी वो भी, कि जो ऐसे मान जाता है, जैसे बहुत ऑफन आप सुनते होंगे कि ये डिवोर्स्ड है, इसकी शादी दोबारा होनी बड़ी मुश्किल है, तो वो स्टिग्मा जो वो कलंक है वो भी ग्रेजुअली अब खत्म होता जा रहा है, और अभी भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन अब जो लोग जो पर्टिकुलरली जो यंगर जनरेशन है वो उसको थोड़ा कम मानती है, उनको अगर कन्वीनियंट नहीं लगते पार्टनर्स तो दे टेंड टू गेट अ डिवोर्स एंड दे टेंड टू गेट मैरिड समवेयर एल्स। एंड देन गिडेंस क्या बोलते हैं इसको, गिडेंस बोलते हैं कि फॉर एवर लव, जो ग्रेजुअली ये अपने हर लंबस में लिखा हुआ, आप जाके इसको और पढ़ सकते हैं, फॉर एवर लव किस में बदल रहा है, लव टिल फर्दर नोटिस, जिसको वो प्लास्टिक लव भी बोलते हैं। और ये ऐसे वहाँ पे कहानी अगर चाहो पढ़ना लिख भी सकते देख भी सकते हो, वो बोलते हैं कि जैसे जब आपके आसपास सभी चीज़ों पर आप जब कि पहले वो कहते हैं कि रिपेयर पर बहुत जोर था, कहते मान लो आपका मोबाइल खराब हो जाता है तो मोबाइल को आप रिपेयर नहीं कराते, आप क्या करते हो, यू गो एंड यू परचेज अ न्यू मोबाइल, यू रिप्लेस। तो रिप्लेस करने की कहते टेंडेंसी जब हमारी हर जगह आती जा रही है, तो वही सेम चीज रिप्लेसमेंट वाली टेंडेंसी हमारी रिलेशनशिप्स में भी आ रही है। जब भी कोई दिक्कत आती है तो टेंडेंसी क्या होती है, रिप्लेस की, कोई नया ले आते हैं रिप्लेस कर देते हैं। तो रिपेयर करने पर हमारा एफर्ट कम होता है, रिप्लेसमेंट पर ज्यादा। तो वो सोसाइटल एक फीचर बन गया, एक कैरेक्टरिस्टिक बन गए। एंड फ्रेडरिक लापले क्या बोलते हैं कि वो कहते हैं जो वर्किंग क्लास फैमिली है, वर्किंग क्लास फैमिली इनके हिसाब से जो इनहेरेंटली अनस्टेबल फैमिली है, तो वो अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ आपस में क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, इसीलिए अनस्टेबल फैमिली रहती है, बच्चे वगैरह भी आपस में झगड़ते हैं। तो ये कुछ नई डेवलपमेंट्स थी, इसको आगे लेके चलते हैं। कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं इंडिया में भी देख लो फटाफट से, कि इंडिया में मैरिज के और फैमिली को लेके कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स क्या हैं, कि मैरिज आज भी बहुत बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है। आप देखो देखो अगर आपके पेरेंट्स कितने वरिड होंगे आपकी शादी को लेके, यूपीएससी एस्पिरेंट्स के पेरेंट्स बेचारे बहुत ही चिंता में रहते हैं कि बच्चे शादी कब करेंगे, सेटल कब होंगे। एक तो ना ये आपने वर्ड सुना होगा ना इंडिया में, ये वाला सेटल वोट है सेटल, आई हैव नो आइडिया, ठीक है। तो सेटलमेंट को लेकर पेरेंट्स बेचारे बहुत ही चिंता में रहते हैं, और जनरली जहाँ मेरा हिसाब है सेटल होना क्या होता है कि एक आपको कंसिस्टेंट जॉब मिल जाए, शादी हो गई, आप सेटल हो जाते हो, तो उसके बाद चाहे आप जितने मर्जी अनसेटल रहो। चलो इसको ज्ञान की बातें बाद में करेंगे। तो और मैरिज आज भी बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, पेरेंट्स अभी भी बहुत पैसा सेव करते हैं बच्चों की शादी के लिए। और उसके बाद कास्ट आज भी एक्टिव है, कास्ट कैसे एक्टिव है, टेक्नोलॉजी के थ्रू, जो shaadi.com आपकी जो बहुत सारी जो वेबसाइट्स आ गई हैं उन्होंने फिर से ईजी कर दिया है कि अपनी कास्ट का, कम्युनिटी का, रिलीजन का जो बंदा ढूंढना कितना आसान कर दिया, वहाँ पर प्रोफाइल बना और ढूंढ लो। तो इसलिए कास्ट को टेक्नोलॉजी रीइंफोर्स करती है और कर रही है इनफैक्ट। लेकिन अभी क्या है, क्लास अभी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। अगर लेट्स से सिमिलर कास्ट का बंदा चाहिए तो उसकी क्लास या फिर इकोनॉमिक वेलबींग आपसे मिलती होनी चाहिए, अदरवाइज आपके वो बराबर का नहीं माना जाएगा और आपके साथ उसकी शायद अरेंज मैरिज जैसे भी होगी वो नहीं हो पाएगी। तो क्लास अभी भी प्रायोरिटी है, उसके बाद कास्ट भी अब वापस आ रही है बहुत तेजी से। एंड देन
अर्बन एरियाज़ में लिव इन का बहुत रैपिडली राइज हुआ है इंडिया में, एंड उसके बाद आईटी प्रोफेशनल्स का एक स्टडी आती है, वो बताती है हमें आईटी प्रोफेशनल्स में डिवोर्स रेट बहुत रैपिडली बढ़ा आईटी प्रोफेशनल्स में पर्टिकुलरली, क्योंकि वहाँ पर क्योंकि सिमिलर जगह पे जॉब करते हैं और अगर वो नहीं लगता कन्वीनियंट तो दे टेंड टू फाइंड न्यू पार्टनर्स एंड देन। और वैसे भी आईटी प्रोफेशनल्स यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है पर्टिकुलरली, क्योंकि जो पर्टिकुलर लाइफस्टाइल है काफ़ी वेस्टर्नाइज हो जाता है, और क्योंकि वेस्टर्न तरह के काम भी करते हैं वो, तो अकॉर्डिंगली वो डिवोर्स वगैरह के स्टिग्मा भी हट जाते हैं, एंड इसलिए शायद ठीक है ये हो सकता है कि डिवोर्स रेट भी रैपिडली राइज करे। ये स्टडीज हमारे पास अखबारों में पब्लिश होती हैं। एंड देन जो जॉइंट फैमिली की सेंटीमेंटल वैल्यू आज भी है, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना, पेरेंट्स के साथ रहना, और इंपॉर्टेंट इवेंट्स में उनके साथ सभी उनको रिचुअल्स वगैरह में इंपॉर्टेंट तरह से इंक्लूड करना, तो वो अभी भी सेंटीमेंटल वैल्यू अभी भी एग्जिस्ट करती है जॉइंट फैमिली की। और गर्ल्स चॉइस ये इंक्रीजिंगली बढ़ती जा रही है फैमिली में। देखें अगर फैमिली में जो अगर डिसीजन मेकिंग है, अगर मैरिज के वक्त बात करें, तो लड़की की चॉइस इंक्रीजिंगली कंसिडरेशन का पार्ट बनती जा रही है, पहले ये बहुत ही कम हुआ करती थी। एंड देन अभी भी मेल का जो अगर फैमिली में देखें, फैमिली में मेल का अभी भी इंपॉर्टेंट रोल है ब्रेड विनर का। सिंपल से चीज़ है, अगर इफ यू आर अ गाय एंड उसके अगर आप लड़का हो और आपकी अभी कोई जॉब नहीं है, तो बहुत ही मुश्किल है कि आपकी शादी हो। शादी करने के लिए आपको पैसे कमाने जरूरी हैं, अगर आप अर्न नहीं करते होगे तो शादी नहीं होगी। सिमिलर सा केस लड़कियों के साथ अभी इक्वली अप्लाई नहीं होता। तो अगर आप देखो कि अगर लेट्स से इफ यू आर अ गर्ल एंड अगर आपके पास जॉब नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई आपकी शादी की कंसिडरेशन आनी बंद हो जाएंगी, तो आप अभी भी शादी हो सकती है आपकी, लेकिन मेल के साथ ही नहीं हो सकता। ठीक है, तो अभी भी इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रेड विनर का रोल मेल को दिया हुआ है। एंड उसके बाद एल्डरली की बात करें फैमिली में, तो फैमिली में एल्डरली का रोल तो ग्रेजुअली काफी कन्फाइन होता जा रहा है। कहाँ पे? रिचुअल्स में। सिर्फ रिचुअल्स के वक्त उनको बाहर निकाला जाता है कि आओ आप सबसे आगे बैठ जाओ और जो भी करना है ये जैसे सब काम एल्डरली को, अदरवाइज बाकी सारे, क्योंकि एल्डरली जनरली हमने क्या देखते हैं कि एल्डरली अभी कंट्रीब्यूट करना बंद कर देते हैं इकोनॉमिकली, एंड हमारा जो समाज है इंक्रीजिंगली इकोनॉमी बेस्ड होता जा रहा है। जो जितना इकोनॉमिकली बेटर होता है उतनी उसको रिस्पेक्ट ज्यादा मिलती है, तो इसीलिए जब एल्डरली जब रिटायर हो जाते हैं तो वो कंट्रीब्यूट करना बंद कर देते हैं और इकोनॉमिकली, तो इसलिए उनकी रिस्पेक्ट भी ग्रेजुअली ऐसा माना गया कम हो गई। हमारे बहुत सारी स्टडीज हैं, एमएस गोर ये वो हम पढ़ेंगे पेपर टू में, तो वो स्टडी बताती हैं कि कैसे एल्डरली का लॉस होता है जब इकोनॉमी ओरिएंटेड सोसाइटी बन जाती है। तो इसीलिए वो कहते हैं सिर्फ उनको कहाँ पे रिचुअल्स में, कहते हैं रिचुअल्स ही काफ़ी घट गए हैं एंड जहाँ पर हैं वहीं पर ही एल्डरली को बस रिस्पेक्ट मिलती है, तो इसी कारण से ओवरऑल उनके जो एल्डरली का रोल जो फैमिली में काफ़ी घट गया है। और अब राइज किसका हुआ है? फिलियोसेंट्रिक। मैंने आपको कल बताया था वर्ड ये फिलियोसेंट्रिक क्या होता है, बच्चों का, जहां बच्चों के सेंट्रिक बातें होती हैं, जो बच्चे बोलते हैं कि इस कलर की कार और इस कलर का घर, इस कलर के आपके कर्टन चाहिए, तो उस कलर का ही सब कुछ आपका बनता रहता है। फिलियोसेंट्रिक अप्रोच हो रही है फैमिली में। और एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एक वर्ड दे रहा हूं आपको मैं, ये एक फिलिप कॉटलर एक हमारे मार्केटिंग के हैं कोई, तो उन्होंने ये वर्ड दिया था सिक्स पॉकेट सिंड्रोम। सिक्स पॉकेट सिंड्रोम क्या होता है? कहते हैं क्योंकि वन चाइल्ड नॉर्म आ रहा है, मान लो ये हस्बैंड ये वाइफ इनका आगे बच्चा हुआ, लेट्स से अज्यूम करो ये मेल है, ठीक है, ओके, एक हस्बैंड एक वाइफ अज्यूम करो, बच्चा हुआ वो है फीमेल, वन चाइल्ड फैमिली चल रही है। ये चाइना में फिनोमेना ऑब्जर्व किया गया था जहां वन चाइल्ड नॉर्म बहुत ही रिग्रेसली फॉलो हुआ। अब इनकी आगे शादी हो गई, इनका अगेन लेट्स से एक बच्चा है, दे हैव अ चाइल्ड, ठीक है, अब इस पर्टिकुलर बच्चे पर एक ये खर्च कर रहे हैं, एक ये खर्च कर रहे हैं, एंड देन एक दादा दादी खर्च कर रहे हैं, एक नाना नानी खर्च कर रहे हैं, क्योंकि इनके बच्चे ही नहीं आगे, कोई बेचारा इकलौता बच्चा ही, वन चाइल्ड चलते चलते, तो इस पे छह पॉकेट्स खर्च करती हैं अपने सारी धन दौलत। तो सारे जो डिसीजन होते हैं वो फिलियोसेंट्रिक हो जाते हैं, बच्चों के सेंट्रेड हो जाते हैं, एंड इसी कारण से मेजर राइज है जो टॉयज ओरिएंटेड जो आपकी जितनी कंपनीज हैं, जो आपकी लेट्स से ये कार्टून नेटवर्क, कितने सारे कार्टून ओरिएंटेड चैनल आ गए। मैंने कल आपको बताया भी था यूट्यूब पर जो बिगेस्ट जो चैनल है इस वक्त वो चूचू टीवी है, जस्ट बिकॉज पेरेंट्स दे कैन अफोर्ड टू गिव देयर चिल्ड्रन, दे कैन अफोर्ड टू गिव देयर चाइल्ड इन फैक्ट दे अ मोबाइल फोन, कि भाई मोबाइल फोन ये टैब वगैरह पकड़ो, बैठ के सारा दिन अपने इस पे मोबाइल पर देखो नर्सरी पोएम्स राइम्स वगैरह। तो इसीलिए क्योंकि बच्चों पर स्पेंडिंग बहुत हो रही है, आप शॉपिंग मॉल्स में जाकर देखो आपको बच्चों के ओरिएंटेड बड़े बड़े दुकानें मिलनी शुरू हो गई है, जैसे किको करके कोई कंपनी है एटसेट्रा, तो दे हैव ह्यूज स्टोर्स क्योंकि सिक्स पॉकेट सिंड्रोम दिखता है, और इतने बड़े बड़े टॉय स्टोर्स खुल रहे हैं क्योंकि पेरेंट्स जो एक पेरेंट नहीं है छह छह पॉकेट्स स्पेंड करती हैं अब एक बच्चे पर, ओके, सिक्स पॉकेट सिंड्रोम कहा जाता है उसको। अब फैमिली का थोड़ा सा फंक्शनल एस्पेक्ट भी देख लें, तो ये दो तरह से देखेंगे फैमिली का फंक्शनल एस्पेक्ट, फैमिली क्या क्या फंक्शन पूरे करती है। एक तो देखेंगे इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से,
एक देखेंगे समाज के परस्पेक्टिव से कि एक इंडिविजुअल को क्या फंक्शन पूरा करती है, एक समाज को क्या फंक्शन पूरा करती है। मुर्डॉक अगेन अथॉरिटी है फैमिली में। मुर्डॉक ने जो किताब लिखी सोशल स्ट्रक्चर, उसमें मुर्डॉक बोलते हैं चार फंक्शन है फैमिली के, पहला इकोनॉमिक फंक्शन, दूसरा कि रिप्रोडक्शन वगैरह को कंट्रोल करना, और सेक्सुअल रिलेशन को रेगुलेट करना जो बिटवीन एडल्ट्स एंड बच्चों को जो पैदा होंगे आगे बच्चे उनको सोशलाइज करवाना कि किस तरह से समाज में बिहेव करना है वो करवाना। ठीक है, तो ये चार इंपॉर्टेंट फंक्शन फैमिली को इन्होंने मुर्डॉक ने दिए। पार्सन्स के हिसाब से दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस कौन से हैं? पहला कि बच्चों को सोशलाइज करवाना, प्राइमरी सोशलाइजेशन, उसके बाद तो कहते हैं वो कहीं दोस्तों स्कूल वगैरह में जाकर सोशलाइज करते हैं, प्राइमरी सोशलाइजेशन फैमिली करवाती है, एंड एडल्ट को एडल्ट पर्सनैलिटी को स्टेबलाइज करना कि आपको ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था, जाकर रिश्तेदारी पूरी कर लो एटसेट्रा, तो एडल्ट पर्सनैलिटी को स्टेबलाइज करना। ठीक है, तो ये दो फंक्शंस पार्सन्स बोलते हैं। ओवरऑल अगर हम देखें रोनल्ड फ्लेचर, ये मल्टी फंक्शनल की बात करते हैं कि फैमिली के मल्टी फंक्शन है पहला वो, और वो क्या बोलते हैं कि अब एग्जिस्टिंग जो हमारी जो समाज है उसमें और जो वेरियस, जैसे आपके कहते हैं एरा बदलती है, एरा बदलने के साथ साथ आपके फंक्शंस भी रीइन्वेंट होते हैं। एंड जैसे अब ये फंक्शन को दो टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे, एक तो इंडिविजुअल परस्पेक्टिव में कि इंडिविजुअल के लिए फैमिली क्या क्या फंक्शन पूरी करती है, और एक समाज के लिए। तो इंडिविजुअल के लिए क्या क्या पूरी करती है, एक तो फिजिकल सिक्योरिटी, बचपन में है ना आपको पूरी सिक्योरिटी मिली हुई है, कोई आपको आके ऐसा नहीं है ना कि उठा के ले जाएगा कुछ कर देगा, क्योंकि आपका परिवार आपके साथ खड़ा हुआ है, हमेशा आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। देखती है जैसे मदर्स फादर्स कितना प्रोटेक्ट करते हैं बच्चों को। उसके बाद इमोशनल सिक्योरिटी, साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी कि आपको कभी स्ट्रेस हो रहा है तो आपकी मदद करते हैं परिवार वाले। इकोनॉमिक सिक्योरिटी दे रहे हैं आपको कि आपको लेट्स से कहीं पढ़ने जाना है, कुछ खाना है पीना है, सभी तरह की इकोनॉमिक सिक्योरिटी, आपको कोचिंग के पैसे भरने हैं, कुछ भी करने हैं ना। उसके बाद सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन, जब जो एडल्ट्स हैं वो शादी कर लेते हैं फैमिली में लेट्स से हस्बैंड एंड वाइफ, तो सेक्सुअली ग्रेटिफाई कर रहे हैं दूसरे को, सेक्सुअल नीड्स पूरी हो रही है ना, बिकॉज क्यों एफिनल रिलेशनशिप याद है ना, एफिनल जो हमने कल पढ़ा था, दो तरह के होते हैं, एक एफिनल और एक कौन सा होता है कॉन्सैंग्यूनल, खून का रिश्ता। खून का रिश्ता किसमें होता है? बच्चों के साथ, है ना, बच्चों के साथ। तो एंड एफिनल कहां पे होता है? पेरेंट्स के बीच में। तो वो सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन पूरी हो रही है फैमिली के चलते, और कैसे? लेजिटिमेट। लेजिटिमेट का मतलब क्या हुआ? जायज, समाज इसको ओके मानता है, समाज को इसके कोई खास दिक्कत नहीं है। एंड देन एंटरटेनमेंट, परिवार आपका एंटरटेनमेंट भी कर रहा है, कभी शादी हो रही है किसी की, कभी कुछ हो रहा है, और पूरा चल रहा है वो पूरा एकदम घर में जो माहौल बना हुआ है एंटरटेनमेंट का, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है फैमिली का कि एंटरटेन करना इंडिविजुअल को, एंटरटेन रखना, वेरियस इवेंट्स बना रहे हो, कभी दिवाली, कभी होली, कभी ईद, कभी कुछ, है ना, सब कुछ मनाते जा रहे हो। और रेडीमेड स्टेटस मिलता है जिस परिवार, अगर अच्छे परिवार में पैदा होते हो तो अपने आप ही आपके नाम के पीछे जो आपके सरनेम लगा हुआ है, लेट्स से अंबानीज के घर पैदा हो गए आप, तो ऑटोमेटिकली कितना एक डे वन भी आपका कितना स्टेटस आ गया। तो जिस परिवार में पैदा होते हो तो यू टेंड टू गेट अ लॉट ऑफ स्टेटस एसोसिएटेड विद इट। ठीक है, एंड इनिशियल सोशलाइजेशन भी इंडिविजुअल की फैमिली करवाती है। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे देखते हैं कि इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव में कैसे कैसे ट्रेंड्स बदल रहे हैं। पहले इंडिविजुअल का देख लेते हैं फटाफट से। तो इंडिविजुअल अब क्या कर रहा है, फैमिली पे कम रिलाई करता है, जैसे हमको बताया था मर्टन ने भी कि पीयर्स एंड फ्रेंड्स पे ज्यादा रिलाई करते हैं फॉर वेरियस सिक्योरिटीज, इमोशनल सिक्योरिटीज, है ना, साइकोलॉजिकल इमोशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, दोस्तों से पैसे बोरो कर लेते हैं हम जो भी। तो अकॉर्डिंगली इंडिविजुअल पीयर्स या फिर फ्रेंड्स पे ज्यादा रिलाई करना शुरू कर गए, तो अल्टरनेटिव आ रहा है फैमिली का। एंड देन उसके बाद अब हॉस्पिटल एंड उसके जो अगर आपको केयर रखनी, हॉस्पिटल्स आ गए, प्ले स्कूल आके इनिशियल सोशलाइजेशन करा रहे हैं, मल्टीप्लेक्सेस एंटरटेनमेंट दे रहे हैं, है ना, मीडिया वगैरह एंटरटेनमेंट दे रहे हैं। उसके बाद पुलिस जो एडल्ट रोल स्टेबलाइजेशन की बात करते हैं पार्सन्स, वो पुलिस कर रही है एडल्ट, अगर एडल्ट अगर स्टेबलाइज अगर तरीके से काम नहीं करेगा तो पुलिस आके डंडे लगा देगी। ठीक है, एंड लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए आप मजबूर हो, करने पड़ेगा आपको, मेंटेन नहीं करोगे तो सरकार आपके खिलाफ एक्शन लेगी। तो एडल्ट रोल स्टेबलाइजेशन भी फंक्शन किसने ले लिया, अब जो स्टेट ने उठा लिया है। तो इसीलिए बहुत सारे अब अल्टरनेटिव्स आ गए हैं जो फैमिली के इवन की इंडिविजुअल के अगर देखें तो उसके परस्पेक्टिव से काफी रोल हमारे बदलते नजर आते हैं हमें। एंड देन अब आते हैं सोसाइटल परस्पेक्टिव पे कि किस तरह से सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से फैमिली क्या क्या फंक्शन पूरे करती है। पहला रिप्रोडक्शन, समाज
समाज को नए नए मेंबर्स प्रोवाइड करती है। अगर मेंबर्स ही नहीं आएंगे समाज में तो समाज ही खत्म हो जाएगा ग्रेजुअली एक दिन, है ना। सभी लोग मर जाएंगे एक दिन तो नए मेंबर्स नहीं आएंगे। तो इसीलिए कार्ल मार्क्स इसीलिए फैमिली को बहुत ही क्रिटिसाइज करते हैं। वो बोलते हैं कि फैमिली को इतना इनकरेज क्यों करते हैं कैपिटलिस्ट, क्योंकि वर्किंग क्लास के लोग और बच्चे पैदा करेंगे और मजदूर मिलेंगे हमें। तो इसीलिए वो बोलते हैं कि फैमिली के सिस्टम को में ही मेजर रिफॉर्म चाहिए। कार्ल मार्क्स ये बोलते हैं कि आप बच्चे पैदा करके दे जा रहे हो किसको, कैपिटलिस्ट को। ओके, एंड देन उसके बाद कल्चरल ट्रांसमिशन सोसाइटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। जो भी आपकी वैल्यूज वगैरह जो समाज में चल रही हैं, आपको आपको कौन बताता है, फैमिली बताती है आपकी। तो जैसे लेट्स से आपको, जैसे जनरली आपको कहा जाता है, लेट्स से आप इंडिविजुअल हो, आपको बोलते हैं कि ये कपड़े पहन के मत जाओ, या फिर आपको बोलते हैं इतने बजे घर जल्दी वापस आ जाना, ठीक है। और लेट्स से आपको बोलते हैं कि इस इतनी उम्र हो गई है शादी कर लो, कि लोग क्या कहेंगे। तो आपको ये सब कौन कौन बोल रहा है, ये फैमिली बोल रही है ना। फैमिली फैमिली बोलती है लोग क्या कहेंगे, लोग मतलब सोसाइटी, है ना। ये देखो सोसाइटी काम कर रही है, सोसाइटी का दबाव फैमिली पर है, फैमिली आप पे दबाव बना रही है। तो हमने पहले भी जैसे बात की थी, फैमिली माउथ पीस होती है, फैमिली माउथ पीस है। फैमिली एक ऐसा एक वो ऐसा स्पीकर है जो आपको जो बोल रहा है, कौन किसके किसका कॉन्डुइट है, या फिर किसका जो मैसेज आप तक पहुंचा रहे हैं, समाज का, सोसाइटी का। तो सोसाइटी का जो मैसेज, सोसाइटी तो ऐसा कहाँ है, हमने देखी है कभी सोसाइटी, बाहर निकल के हमें दिखती थोड़ी ना सोसाइटी, ये रही सोसाइटी। तो सोसाइटी क्या है, वो समाज फैमिली पे दबाव बनाता है, फैमिली आप पर, ठीक है। तो इसीलिए जो कल्चर ट्रांसमिट करना है जो सोसाइटी का, वो आपको फैमिली ही कल्चर ट्रांसमिट करवा रही है। लेकिन अब इसका अल्टरनेटिव्स कैसे आ रहे हैं, मीडिया, स्कूल एटसेट्रा वगैरह, देखो तो ये सब ये भी आपको कल्चर ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो जो बच्चे जैसे लेट से नए नए तरह के हेयर स्टाइल रखते हैं आजकल वगैरह, कोई फैमिली नहीं सिखाती ना वो, तो वो कहां से, मीडिया से आ रहा है, स्कूल से आ रहा है, पीयर से आ रहा है। तो अकॉर्डिंगली तो फैमिली के रोल यहां पर भी हम देखते हैं चेंज होते जा रहे हैं। तो सोशल कंट्रोल के लिए या लॉ आ रही है समाज के लिए, और इकोनॉमिक प्रोडक्शन देखें अगर तो, कि पहले जो बोलते थे कि ना इकोनॉमिक प्रोडक्शन की पूरा परिवार, लेट्स से ये वाला परिवार कुम्हार वाला परिवार है, ये कुम्हार हैं, दे मेक पॉट्स एटसेट्रा। तो वो वाला रोल भी अब ऐसा नहीं है ना कि अब कुम्हार के जो आगे जो बच्चे होंगे वो जरूरी नहीं है कुम्हार बने, वो दे गेट एजुकेटेड एंड दे गेट इनटू न्यू जॉब्स। तो अकॉर्डिंगली फोकस बदल गया है, तो ना जो फैमिली का जो रेडीमेड जॉब वाला जो सिस्टम था, रेडीमेड जॉब अब नहीं चाहिए, पीपल दे गेट एजुकेटेड एंड दे मूव ऑन टू डिफरेंट काइंड ऑफ कॉर्पोरेट जॉब्स। तो अब रोनाल्ड फ्लेचर अब वापस आते हैं, वो क्या बोलते हैं कि अब कहते लेकिन ना फैमिली ऐसा भी नहीं है कि फैमिली बिल्कुल ही ऐसे खत्म हो जाएगी। कहते फैमिली क्या करती है, फैमिली प्रोविजंस करती है, फैमिली अवेलेबल कराती है रिसोर्सेज, किसके लिए, ट्रेनिंग के लिए। और किस तरह की आपको ट्रेनिंग करनी है, किस तरह की आपको चॉइसेस मेक करनी है, फैमिली उसके लिए आपकी मदद करती है। आप कहते हैं इसीलिए फैमिली का रोल रहेगा, फैमिली ऐसे नहीं फैमिली गायब हो जाएगी, क्योंकि आपको लेट्स कहीं स्कूल में सबको सिखाया जा रहा है कोचिंग क्लासेस में, तो फैमिली की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। कहते रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे इस सब सीखने के, फैमिली देगी। तो रोनाल्ड फ्लेचर बोल रहे हैं इसलिए फैमिली का रोल ऑल्टर हो गया, फैमिली का रोल गया नहीं है। ओके, तो अब यहां पर एक आखिरी टॉपिक देख लेते हैं, यह है फैमिली का क्रिटिसिज्म, डिसफंक्शंस की। फैमिली के बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी किए हैं बहुत सारे थिंकर्स ने, कि फैमिली बहुत बुरा काम भी करती है। तो और ये आपको बहुत ऑफन सवाल पूछा जाता है यूपीएससी में, अगर नहीं भी पूछा गया, फंक्शंस पूछे गए हैं तब भी आप डिसफंक्शंस बताओगे, ये ताकि आपका आंसर कंप्लीट नजर आए, ठीक है। डिसफंक्शंस फैमिली के, कि फैमिली को बहुत ऑफन किसके लिए एक्यूज किया गया है, स्टेटस क्वेस्ट होने के लिए। स्टेटस क्वेस्ट का मतलब क्या हुआ, कि ये बदलाव बहुत ज्यादा आने नहीं देती फैमिली। बोलती ना जैसे आप बोलते हो कि मैं ये जॉब छोड़ के मुझे ये वाला काम करना है, तो वो बोलते हैं कि क्या कैसे करोगे, क्यों करोगे, आपका गुजारा नहीं होगा एटसेट्रा एटसेट्रा, आपको बहुत सारे ऐसे इफ्स एंड बट्स बता देते हैं वो, आपको डर लगता है, आपको लगता है चलो रहने देते हैं, जो चल रहा है चलने देते हैं, ठीक है। तो और अगर आपने ऐसा किया तो हम ये कर देंगे एटसेट्रा, बहुत कुछ होते बोलते हैं। तो फैमिली स्टेटस क्वो जो चल रहा है वो चलने देना चाहती है, और इसीलिए कार्ल मार्क्स को इस बात से बिल्कुल चिढ़ है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि अगर आप हर बात को कन्फर्म ही कराते रहोगे, फैमिली कन्फर्मिटी इंश्योर करती है, और इसी कारण से कहता है आप रेवोल्यूशन की बात नहीं करोगे, हमेशा ही जो हैव्स हैं हैव आपको एक्सप्लॉइट करते रहेंगे, आप उसके खिलाफ कभी आवाज उठा ही नहीं पाओगे, क्योंकि फैमिली स्टेटस क्वेस्ट है, जो चल रहा है चलते रहने दो, आपको प्रधानमंत्री बनने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको बाहर निकल के कोई रेवोल्यूशनरी बनने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप चुपचाप घर बैठो, जो चल रहा है वो करते रहो। तो फैमिली का ये स्टैंडर्ड क्रिटिसिज्म है कार्ल मार्क्स ने, जो कि आपके सामने प्रेजेंट किया। एंड देन
डेविड कूपर, डेविड कूपर अपनी किताब लिखते हैं डेथ ऑफ फैमिली। तो डेथ ऑफ फैमिली में वो क्या बताते हैं फैमिली को, कि फैमिली एक आइडियोलॉजिकल कंडीशनिंग डिवाइस है। बहुत ही अच्छा वर्ड है, आइडियोलॉजिकल मतलब कि एक आइडियोलॉजी, आपको एक विचारधारा देते हैं और आपको बोलते हैं कि बस वही फॉलो करनी है जो हम आपको बोल रहे हैं, और वो एक्सप्लॉयटेटिव सोसाइटी में आपको कॉन्फॉर्म कराते हैं कि हाँ देखो ये वाली विचारधारा जो समाज में चल रही है ये प्लीज मानते रहो, और आप कभी कोई नई बात कर ही नहीं पाओगे, और नई बात नहीं कर पाओगे तो बदलाव कैसे होगा। एंड इसीलिए अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है कि फैमिली साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर बच्चों में प्रोड्यूस करती है, क्योंकि फैमिली बहुत एक्सपेक्टेशंस ले आती है कि आपको इतना अचीव करना ही करना है। जो स्टैंडर्ड जोक नहीं होता वो शर्मा जी का बेटा, कि शर्मा जी का बेटे का रैंक 1 आ गया और आपका कितना आया, शर्मा जी के बेटे की जॉब लग गई आपकी कौन सी लगी, तो इसलिए साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो आर डी लैंग, ये ना प्लीज ये नाम सारे रखना याद, बहुत ही अच्छा आपका आंसर बन जाता है। डेविड कूपर, कार्ल मार्क्स, आर डी लैंग, आगे जो हमारे स्ट्रॉस वगैरह बहुत सारे लोग आएंगे। तो आर डी लैंग अपनी किताब लिखते हैं पॉलिटिक्स ऑफ फैमिली, उसमें बोलते हैं कि बच्चे स्किजोफ्रेनिक होना शुरू हो जाते हैं, उनकी स्प्लिट पर्सनैलिटीज बन जाती हैं, और क्योंकि पेरेंट्स बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन का भार बच्चों पर डाल देते हैं। आपके पास एग्जाम्पल है यहाँ पर कोटा, कोटा में जो बच्चे पढ़ते हैं जो जो आई आई टी जेई की तैयारी करते हैं, कितने सुसाइड रेट हाई है कोटा में, क्योंकि इतने एक्सपेक्टेशन है वहां जाके बच्चों से और अचीव नहीं कर पाते, तो दे एंड अप टेकिंग देयर लाइव्स। तो अल्टीमेटली मतलब मुझे लगता है कि क्या मतलब कि इतनी व्यर्थ क्यों, कि अगर आपने लेट से, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूं, कितने सारे हमारे दोस्त हैं हम जब जो टॉप कॉलेजेस से लेट से जो पास आउट हैं, आईएएस भी बन जाते हैं, आम इंसान के जैसे ही है वो, है ना, आपके जैसे मेरे जैसे ही सब हैं वो लोग। ऐसा नहीं है कि कोई आपके कोई खास ऐसा नहीं होगा कि आपके आसपास कोई पंखा लेके घूमता रहेगा कि ये आपको ठंडी हवा आती रहेगी हमेशा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप अपने अपने अभी रिसेंटली यू माइट हैव हर्ड कि एक आईएएस जो 50 समथिंग रैंक थे ही जंप्ड इन फ्रंट ऑफ अ ट्रेन बिकॉज ही वाज नॉट सैटिस्फाइड। तो आप ऐसा नहीं है, तो सेटिस्फैक्शन तो जनरली देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं करती कि आपने लाइफ में क्या अचीव किया या क्या नहीं किया। तो ये किस पे डिपेंड करती है, बहुत सारे और फैक्टर्स पे। तो चलो ऐसे छोटे छोटे में आई वॉन्ट यू टू रीड अ फ्यू बुक्स, ठीक है, ताकि ना आपको जनरली एक बहुत सही कोट है जो हमने लिखा भी था कि जो पर्पज ऑफ लाइफ पर वो कोट है, तो मैं चाहता भी हूँ क्योंकि ना आप सब यूपीएससी के थ्रू गुजरते हो तो बहुत स्ट्रेस से वाले उससे फेस से गुजरते हो। तो पर्पज ऑफ लाइफ पे कोट है कि इट सेज द पर्पज ऑफ लाइफ इज अ लाइफ ऑफ पर्पज। कि पर्पज ऑफ लाइफ क्या होगा, कि एक जिंदगी ऐसी जी जाए जिसमें किसी के लिए कुछ हम काम आ पाए, किसी के लिए मदद कर पाए। देखो कितना सस्टेनेबल थॉट भी है ये, कि आप किसी की मदद कर रहे हो, और मान लो ऐसा अगर ये थॉट सब तरफ फैल जाए तो सभी लोग आपकी मदद कर रहे होंगे, है ना। अगर देखो आप ना अगर सेल्फ सेंटर्ड होना शुरू होते हो, आप किसी की मदद नहीं कर रहे तो कोई आपकी मदद भी नहीं कर रहा, तो लोनलीनेस कितनी बढ़ती जा रही है। और कहीं ना कहीं इफ यू अग्री और इफ यू डिसअग्री, आई एम नॉट रियली श्योर, तो हम सब जो ह्यूमन बींग्स हैं वी आर सोशल एनिमल्स, और हम जब सोशली एक्ट नहीं करते तो बहुत ज्यादा लोगों में कितने सारे स्ट्रेस देखे गए हैं, डिसऑर्डर देखे गए हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप सोशली, अगर आप सोशली इफ यू एंड अप डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। मैं आपको एक बुक मैंने रिसेंटली पढ़ी, तो व्हाई वी फील गुड व्हेन वी हेल्प अदर्स, तो वो भी आपसे शेयर करूंगा, ठीक है, उसकी समरीज, क्योंकि हम यहाँ पे ना बुक्स भी अभी ग्रेजुअली रीड कर रहे हैं और हम उनको चाहते हैं कि आपके साथ शेयर भी करें। तो वो ऐसे क्योंकि ना यूपीएससी वाले बच्चे जैसे मोटिवेशन कंटिन्यूसली चाहिए, हर वक्त चाहिए। और पर्टिकुलरली एक और चीज क्या है कि जैसे ना जैसे एक जिग जिगलर करके कोई ना देयर वाज सम गाय इन मोटोरोला, तो वो क्या बोलते हैं कि जैसे आप रोज नहाना होता है ना आपको, अगर आप एक नहीं नहाओ तो आपकी बॉडी जो है इट स्टार्ट्स बिकमिंग ना स्टेल। तो ऐसे ही इंसान के दिमाग को भी रोज मोटिवेशन का एक स्नान चाहिए, एक बाथ चाहिए। तो इसलिए हम अटेम्प्ट कर रहे हैं कि कुछ बुक्स की जो अच्छी बुक्स हैं उनकी समरी आपके सामने लेकर, ताकि मोटिवेटेड रहो, रोज मोटिवेटेड रहोगे, रोज काम कर पाओगे, एंड यू विल मूव अहेड विद ग्रेटर एनर्जी। ठीक है, चलो वापस आते हैं। तो मार्क्स का क्रिटिसिज्म देखा हमने, स्टेटस क्वेस्ट, डेविड कूपर बोलते हैं कि ये आइडियोलॉजिकल कंडीशनिंग डिवाइस है, आपको आइडियोलॉजी के थ्रू कन्फर्म कराती है। आर डी लैंग क्या कहते हैं कि एक्सपेक्टेशन के चलते बच्चों में स्किजोफ्रेनिया साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आ रहे हैं, ठीक है। एंड तो उसके बाद की फैमिली इमोशनल स्ट्रेस भी बहुत ले आती है, क्योंकि मेंबर्स जो है एक दूसरे से बहुत एक्सपेक्ट करते हैं, और एक दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने मेरे लिए ये नहीं किया उस वक्त, आपने मैंने आपके लिए ये किया था, तो उससे बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं विद इन द फैमिली। तो और एक एडमंड लीच है, एडमंड लीच ने इंडिया में ही बैठ के किताब लिखी थी अ रन अवे वर्ल्ड। रन अवे वर्ल्ड में एडमंड लीच क्या बोलते हैं कि मेंबर्स जो है फैमिली के एक दूसरे से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, और उस एक्सपेक्टेशन के चलते बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उनमें, और आपस में इमोशनल स्ट्रेस भी बिल्ड हो जाता है। तो
आगे। और अब एक और इम्पोर्टेंट डिसफंक्शन क्या है कि विमेन की एक्सप्लॉयटेशन, विमेन को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयट किया जाता है इन द नेम ऑफ फैमिली, कि आपको लेट्स से आप मदर हो, आपको तो ये करना ही चाहिए, रात को लेट्स से उठ के आप बच्चों का खाना बना दो, ये कर दो, और जनरली फादर इज फास्ट असलीप, वो सोए हुए आराम से, मदर कर रही है, और कभी खाना पूरे परिवार का बन रहा है एटसेट्रा। तो फैमिली के नाम पे विमेन की एक्सप्लॉयटेशन डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा होती है, एंड हाउस होल्ड वर्क जो है उनको अननोटिस भी चला जाता है, इतना काम करते हैं घर का, जनरली विमेन लड़कियां बहुत ज्यादा काम करती हैं और अननोटिस चला जाता है क्योंकि इन्होंने तो करना ही है, तो इट्स ओके। सेक्सुअल अब्यूज, कितनी ऑफन की सेक्सुअल अब्यूज, अभी आपको पता है अगर सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हो आपने पढ़ा भी होगा इसको, कि जो मैरिटल रेप की बात हो रही है, मैरिटल रेप कि अगर कोई कंसेंट नहीं है किसी का, उसके बावजूद भी अगर सो सेक्सुअल रिलेशन बनाने की ट्राई करता है हस्बैंड, तो उस पर रेप चार्जेस प्रेस करे जा सकते हैं। तो वो सेक्सुअल अब्यूज, तो अभी इसकी बात ही नहीं करते, अभी इंडिया में कितना देखो इसके अगेंस्ट बैकलैश हुआ कि हाउ विल यू प्रूव कि कंसेंट था या नहीं था, तो That's a next thing, no? That's a separate story. तो पहले उसकी दिशा में बात करने से ही रोकना चाहते हैं, ये एक्सटेंट है हमारे देश में पेट्रियार्की का, ओके। एंड देन फैमिली डोमेस्टिक वायलेंस को लेजिटिमाइज करती है, हाँ ठीक है पति है आपका हाथ उठा दिया है ना, और रादर ना हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था, हमने ये जो रिसर्च अगर आपने हर लंबस में पढ़े होगी उसमें जो फेमिनिस्ट परस्पेक्टिव पढ़ते हो आप, उसमें आपने ये पढ़ा भी था कि कितनी ऑफन ऐसा कहा जाता है कि अगर वुमेन एक्सप्लॉयटेड हैं तो वो कहते हैं कि हाँ ठीक ही है। आपको एग्जांपल वहां पर जैसे हमने पढ़ा एनसीईआरटी में भी आप पढ़ सकते हो, तो उसमें क्या लिखा हुआ है, लेट्स से कि अगर पर्टिकुलर एक, अगर जैसे औरत से जाके पूछा उन्होंने जो अभी जिसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुई थी, उन्होंने बोला कि आपके पति ने आपको क्यों मारा, तो वो पूछते हैं, वो बताती हैं कि मैं ऐसे कि पर्टिकुलरली मेरे को मना किया था एक जगह पे जाने के लिए, मैं वहां चली गई, फिर तो कहते हैं आपको, फिर कहते हैं आपको मार देंगे, वो कहते हैं हाँ, कहते क्योंकि मैंने उनकी बात नहीं मानी ना, वो मेरे भले के लिए तो कह रहे थे वहां नहीं जाना। तो जो एक्सप्लॉयट हो रहे हैं, जो एक्सप्लॉयटेड हैं, उन्हीं को आइडिया नहीं है कि वो एक्सप्लॉयटेड हैं। तो ऐसे पर्टिकुलर केस में और ऐसे पर्टिकुलर जगहों पर आपको अवेयरनेस बिल्ड करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है जब किसी को पता ही ना हो कि वो एक्सप्लॉयटेड है। कार्ल मार्क्स भी ये बोलते थे कैपिटलिज्म में कि हमें पता ही नहीं कि हमें कैपिटलिस्ट किस तरह से एक्सप्लॉयट कर रहे हैं। तो वो कहते हैं फैमिली लेजिटिमाइज करती है डोमेस्टिक वायलेंस को कि हाँ ठीक है पति है तो हाथ उठा सकता है, पत्नी के भले के लिए ही कह रहे हैं वो, ठीक है। एंड मरे स्ट्रॉस क्या बोलते हैं, मरे स्ट्रॉस का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ये डायलॉग है, मैरिज लाइसेंस इज अ हिटिंग लाइसेंस, कि शादी शुदा हो तो पति पत्नी को पीट सकते हैं, लाइसेंस मिल गया अब, ठीक है। एंड तो अब एक और इंपॉर्टेंट डिसफंक्शन फैमिली का, कि बहुत ही जो डिविएंट एक्ट्स हैं, बहुत सारे डिविएंट एक्ट्स को फैमिली के नाम पर न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है यहां पर जो एग्जांपल वो है करप्शन का, कि मैं अपने लिए थोड़ी करप्शन कर रहा हूं, मैं तो अपने बच्चों के लिए कर रहा हूं, अपनी वाइफ के लिए कर रहा हूं। तो करप्शन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो यहां पर डिविएंट एक्ट्स को फैमिली के नाम पर न्यूट्रलाइज कर दो, अच्छा अच्छा वो मैं कैसे पालूं अपने चार बच्चों को, कैसे पालूं, तो डॉक्टर ने कहा था आपको चार बच्चे करने के लिए, पहली बात तो इसीलिए तो ये वाली पर्टिकुलर चीजें हैं, तो हमें हम इसको लेके वी आर वेरी यू नो ह्यूमन, जो अपने इंडियंस हैं तो हम काफी हम इसको लेके संवेदना से भरे भी हुए हैं, हमने वी आर फुल ऑफ इमोशंस, हमें लगता है वो अच्छा परिवार के लिए कर रहा है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। एंड देन उसके बाद कि एक और जो है ये कार्ल मार्क्स से जुड़ा हुआ ही एक क्रिटिसिज्म है कि इट इज ऑफन आर्ग्यूड कि फैमिली हैम्पर्स क्रिएटिविटी, कि फैमिली इंडिविजुअल को क्रिएटिव काम करने से बहुत ऑफन रोकती है। और जैसे लेट्स से कि आपकी कोई बहुत ही पिताजी का अच्छा बिजनेस है, और लेट्स से आपके पिताजी अच्छे कोई टॉप ब्यूरोक्रेट हैं, कुछ भी हैं, वो चाहेंगे कि आप भी सेम बनो, कि अगर आपके पिताजी अगर अच्छे आईएएस हैं, आपको कहेंगे कि आप भी आईएएस बनो अच्छे टॉप वाले, आप बोलोगे नहीं मुझे तो दुकान खोलनी है, वो कहेंगे नहीं बेटा दुकान कैसे खोल सकते हो, हम तो आईएएस का परिवार है। तो इसीलिए दे विल हैम्पर योर क्रिएटिविटी एंड दे विल वॉन्ट टू सबमिट कि आपकी जो परिवार की जो डिजायर है उस पर सबमिट किया जाए, ठीक है दोस्तों। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट भी हम आगे देख सकते हैं वैसे तो, लेकिन ये काफी लेक्चर लंबा हो जाएगा, ऑलरेडी काफी लंबा लेक्चर है, तो इसको क्विकली फिनिश करो और इसके बाद आई विल मूव ऑन टू मैरिज के जो वेरियस तरह के टाइप मैं बताऊंगा कि कैसे टाइप्स को, और थोड़ा सा एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव भी ऐड करेंगे हम, ठीक है। एंड देन एक लेक्चर में हम लीनियज एंड डिसेंट खत्म करेंगे और एक लेक्चर में पेट्रियार्की एंड ड्यूअल। तो ज्यादा लंबा चैप्टर नहीं है, लेकिन हाँ ये चैप्टर ऐसा चैप्टर आपको बहुत सारा फॉर्डर मटेरियल प्रोवाइड करता है जगह जगह ड्रॉप करने के लिए। जैसे ये डिसफंक्शन वाला अगर हम देखें तो ये डिसफंक्शन वाला जो पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं ये बहुत सारा सामान आपको प्रोवाइड करते हैं। सोसाइटल पर्सपेक्टिव में कितना कुछ मिलता है आपको बताने के लिए, इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव में चेंजिंग ट्रेंड्स, हर बार एक क्वेश्चन पक्का बांध के चलो ये कि आएगा ही आएगा, चेंजिंग ट्रेंड्स पर तो क्वेश्चन आता ही आता है, जितना उसको एनरिच कर सकते हो उतना एनरिच करने की तैयारी करो एंड आंसर में डालो, ठीक है दोस्तों। तो मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में बहुत ही जल्द, थैंक्स अ लॉट।